राइट कोन इज इंस्क्राइब्ड इनफे ऑफ रेडियस रिलेशनशिप बिटवीन द लेटर जेनेटेटिक्सोम ऑफ एफेक्ट तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं इसका जो लेटरल सर्फेस एरिया वो कैलकुलेट करते हैं तो so, हमें इसकी क्या बोलते हैं जेनेटिक्स की लेंथ गिवन एक्स है ठीक है तो हमें पता नहीं क्या बोलते हैं बाकी की डायमेंशन के बारे में हमें कुछ नहीं पता ठीक है तो अब सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि जो एंगल है कौन का say, एंगल इज़ इक्वल टू है, okay? है ओके, ना? अब मैं इस से जो, uh, और इसके इस पॉइंट से जो स्पेयर का सेंटर है उसकी रेडियस उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर की इक्वल हो जाएगी तो ये होगी आर है ना अब अगर ये एक्स है दिस पॉइंट इज ए दिस पॉइंट इज बी दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी तो ए डी की लेंथ क्या हो जाएगी ए डी इज इक्वल टू वॉट एक्स साइन थी ए डी इज इक्वल टू एक्स साइन सिमिलरली जो बी डी की लेंथ हो जाएगी बी डी क्या हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा है ना अब अगर मैं लेट से जो सेंटर है इसे बोलता हूँ ओ है तो ओडी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा ओ स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा ओ स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ ओ स्क्वायर ओ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट ओ स्क्वायर अब ओ क्या है अगर हम देखेंगे तो सी टोटल लेंथ कितनी है ए डी की एक्स साइन थीटा अब उसमें से ए माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एक्स साइन थीटा माइनस R तो आएगा एक्स साइन थीटा माइनस आर का होल स्क्वायर तो इट इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा

तो डोमेन ऑफ एफ एक्स एक्स की वैल्यू कभी भी टू आर से ज्यादा नहीं हो सकती है ठीक है तो जीरो से टू आर वैल्यू हो सकती है पॉसिबल तो पहले पार्ट का आंसर क्या तो पाई आर स्कवायर अपॉन वन माइनस ये लिखा हुआ है आर की जगह आर हो जाएगा तो वन बाय वन बाय फोर तो रूट थ्री बाय टू तो रूट थ्री पाई टू रूट थ्री पाई आर स्कवायर बाई टू तो ये वैल्यू आ जाएगी देखेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट तो एस स्क्म ऑफ डिग्री तो अगर हम एस की वैल्यू देखेंगे तो अगर जैसे हम इसे एक्स स्क्वायर कर देंगे तो एक्स एस की तो इक्वल है ये वैल्यू एस की equal है, तो यहाँ से एस स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी एस स्क्वायर इज इक्वल टू

फिर क्या जाएगा प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू लेकिन उसके एक्सी पावर फोर आएगा और एक्सी पावर फोर को जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक से एक्सी पावर सिक्स हो जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या गया पाई एक्स स्क्स एक्स आर स्क्वायर तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पाइ एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स आर स्क्वायर